हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ई ए स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 में PSL पैच 2024 को कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले आपको विनडार को डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी पर। विनडार आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, इसको मैं बता रहा नहीं हूँ, आप सिंपल ये प्रोसेस है, इसको जाकर इसको डाउनलोड कर लेना होगा। फिर उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, होगी पैच की। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको पैच का ही प्रोसेस करके बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, और एक वेबसाइट भी बना दूंगा अगर लिंक बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चल जाती है। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस पे देखा कि लिंक गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक वेबसाइट पर भी बना कर दे दूँ। तो यहाँ पर आपको इस सब प्रोसेस देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तब आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो ये देखिए, ये आपको 20 सेकेंड के अराउंड वेट करने के लिए बोल देगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा, पेशेंस रखना होगा और गेम को खेलने के लिए, तो डाउनलोड हो जाता है, ये टाइम ज़्यादा नहीं लेता है। आपको ऐसे ही रोस्टर का भी करना होगा, मैं इस बार सिर्फ पैच का ही करके बता रहा हूँ। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़रूर से पूरा एंड तक देखना, नहीं तो आपका ही लॉस होगा, आपको लिंक नहीं मिलेगी, आप वायरस को डाउनलोड कर बैठोगे। यहाँ पर देखना, ये बहुत सारे ये अननोन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपको इजी इसको डाउनलोड करना होगा। और देखना, यहाँ पर गेट लिंक पर क्लिक करना है, तब तक क्लिक करते रहना जब तक वो इसी पेज पर लोड नहीं हो जाती। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है इस वीडियो का, तो आपको उसको ध्यान से देखना है। देखना, ये इस पेज पर लोड हुई, इसी ने इसका मतलब ये सही लिंक है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ये ऐड देखने को मिला, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसी लिंक देखने को मिली फिर से, यही रोस्टर की नहीं, ये भी पैच की ही है, तो इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस देखने को मिला, बट आपको करना पड़ेगा, तो ये है ऐसा कोई प्रोसीजर, कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखना, यहाँ पर ये नीचे जाकर क्लिक करने के लगा है, आई एम नॉट ए रोबोट, तो इस पर क्लिक कर देना है, प्लीज़ वेट, एंड देन फिर से आपको थोड़ा और वेट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा आपको ऑप्शन पर, फिर देखना फिर से 20 सेकेंड्स वेट करने के लिए कहता है, तो आप और थोड़ा वेट कर लेना। और प्लीज़ आई मैंने अगर इस वीडियो पर और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं PSL के अलावा IPL का भी पैच ज़रूर बनाऊँगा। ये सिर्फ अभी PSL के पैच के ऊपर मैंने बहुत सारा टाइम दिया है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो देखना, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके सबमिट, आपको यहाँ पर कैप्चा को भी फिल करने के लिए आ सकता है। देखना, इसको ये ऐड आते हैं तो उसको क्लोज कर देना है, और ये हमारी जो लिंक है ये यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है, तो आपको कभी रीलोड नहीं करना, कर भी सकते हो, बट आपको करना है तो आप एक बार टैप करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी फिर से। तो यहाँ पर आपको गेट लिंक का ऑप्शन ये अनलॉक हो जाएगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। देखना कि ये इसी पेज पर लोड नहीं हुए, तब तक क्लिक कर देना है, वो इस पेज पर लोड नहीं हो रहा थी। देखना, ये न्यू टैब पर लोड हो गई है, इस पेज पर लोड हो गई है, तो इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने इसको पहले से कर लिया है, तो मैं इसको बार बार डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। फिर आपको एक ऐसा फोल्डर देखने को मिल जाएगा, देखना ये फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है ये जो दिख रहा है, इसको आपको ऐसा फोल्डर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है कि इस वाले ऑप्शन पर। तो इस पर हम क्लिक करते ही आपको एक जो ये विंडार की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब तक होगा, तो ये इसको हम होने देते हैं, और आपको इस रोस्टर को भी क्लिक कर एक्सट्रैक्ट टू ये वाले ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये जल्दी हो जाता है। ये मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको करके रख दिया था, तो आपको नहीं होगा, ये डायरेक्टली आपको हो जाएगा। तो ये देखना, ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया है, और ये आपको ऐसी एक फ़ाइल देखने को मिल जाएगी इसकी, और इसकी फ़ाइल ये, तो ये अभी मेरी एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो इसको हम होने देते हैं, और मैं ये पार्ट को थोड़ा स्किप कर दूँगा। सो यहाँ पर मेरा जो ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है,
या आपको ऐसे दोनों को स्क्वायर क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन पर, तो आपको ये फाइल देखने को मिलेगी, और इस पर क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शन करोगे तो ये फाइल देखने को मिल जाएगी। तो आप इस ये दोनों को डिलीट भी कर सकते हो, इसका आप काम नहीं रह गया है, आपको इस पर जाकर गेम को खेल लेना होगा। और देखना आपको ये जो है ना, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको गेम की आइकन जल्दी नहीं मिलती है, तो आपको जल्दी मिलने के लिए इस वाले टाइप पर क्लिक करते ही ये आपको यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है खेलने के लिए। बट सबसे पहले, इससे पहले हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर रह चुका है, वो है बैक करना होगा, और ये जो रोस्टर होता है इसको ओपन करना है, एंड देन ये वाली जो फाइल है इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर आना है। आप डॉक्यूमेंट्स पर भी यहाँ पर से भी जा सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको ई स्पोर्ट्स का ये फोल्डर देखने को मिला। अगर आपने कभी ई स्पोर्ट्स नहीं खेली तो आपको ये फोल्डर देखने को नहीं मिलता है, अगर लेकिन आप कंप्यूटर वेब ई स्पोर्ट्स पहले से होगा तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। आपको ये रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ मेरे को ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से करके रख लिया है, तो मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगा, आप कर लेना। तो अब ये हमारा जो था, ये गेम का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब हम गेम को लॉन्च कर सकते हैं। बट अगर आपको ये फोल्डर नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को ये फोल्डर नहीं मिलता है, थोड़े लोगों को मैंने देखा है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने आज तक ये स्पोर्ट्स खेले नहीं है, तो ये एक फोल्डर नहीं बनता है। तो तब आप क्या करना है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो आपको सिंपली जाना है और गेम को एक बार लॉन्च कर लेना है, गेम को ओपन करना और एक बार ओपन कर कर क्लोज कर देना, गेम को एग्जिट कर देना। गेम को जब तुम एग्जिट कर लेते हो तो ये फोल्डर्स जो है ना गेम के ही ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तब जाकर आप यहाँ पर रोस्टर को पेश कर लेना। तो सिंपल था, आप अगर वीडियो समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड कर कर इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही ईजी है। तो आपको रोस्टर और पैच को दोनों को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली, एंड देन अब हम गेम को ओपन करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम गेम को ओपन करते हैं, यहाँ से गेम को ओपन कर लेता हूँ। देखना इस पर, यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको राइट क्लिक करके, अगर आपके ओपन नहीं होता है तो आप इस पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या आप ओपन पर भी क्लिक कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप इस पर क्लिक करना, तो क्रैश हो गए वो कम होगी गेम में, गेम के जो क्रैशेस जो भी एरर आते हैं वो कम आ जाते हैं। तो यस पर क्लिक कर देना। अभी देखना कि ये जो है ना गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप सब देख सक रहे हो। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, मैं आपको इसका गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। देखना यहाँ पर आपको नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो कंटिन्यू ऊपर करना, और तब आप पहली बार खेलते हो तो आपको जाकर रोस्टर को लोड कर लेना होगा। तो लोड यहाँ पर आप रोस्टर ये चेंज कर कर आप रोस्टर पर आ जा सकते हो। तो यहाँ पर ये रोस्टर दिख रहा है, इसको करना है यस एंड कंटिन्यू, ये रोस्टर लोड हो चुका है। तो यहाँ से आप अदर वाले जो ऑप्शन रहता है ना, यहाँ से आप कंट्री को चेंज करते हो, तो आपको ऑस्ट्रेलियन स्टेट पे ये 6 टीम्स मिल जाएगी पाकिस्तान की। तो ये है, तो हम यहाँ पर मैच ले लेते हैं, लाहौर मैं ले लूँगा, पेशावर और मुल्तान के बीच आपको ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कराची ले लेता हूँ, देखना आपको लाइनअप भी ऑलमोस्ट सेट मिलती है।